नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। तो जो हमारी सीए इंटरमीडिएट की टेस्ट हुई थी बेटा, चैप्टर वन एंड टू के ऊपर, जी हाँ, कंपनीज एक्ट का चैप्टर वन एंड टू के ऊपर हमारी टेस्ट हुई थी। ये उसके टेस्ट पेपर है और उसका सोल्यूशन डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने यहाँ पे आया हूँ। तो आपने जो भी यहाँ पे आंसर्स को लिखा है, जो भी आपने यहाँ पे चीजों को लिखा है ना, उसको आप बढ़िया से क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो सारी बातों का हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है देखो। एसकेपी लिमिटेड registered in India, a wholly owned subsidiary company of Harry Limited decided to follow a different financial year for consolidation of its account outside India. State the procedure to be followed in this regard. तो एक SKP Limited India के अंदर है, ये fully owned subsidiary है बेटा, wholly owned subsidiary है Harry Limited, जो outside India है, समझना बात को, outside India है, तो different financial year यहाँ पे करना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला यहाँ पे आना चाहिए कि क्या उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया है क्या। दूसरा होना चाहिए कि ट्रांजिशन के समय, अगर बिफोर कमेंसमेंट वाली चीज है तो ट्राइब्यूनल से परमिशन लेंगे, 2 इयर्स का समय दिया जाता है एडजस्ट करने के लिए, और एसकेपी लिमिटेड को ये चीजों को फॉलो करना होगा। नोट एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये फॉरेन कंपनी है, ऐसे इस अजम्पशन के ऊपर ये सारी बातें यहाँ पे की गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि वो फॉरेन कंपनी है या नहीं है, तो उसको अज्यूम करते हुए हम लोग यहाँ इसके आंसर को लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो होप सो आप लोगों ने इस तरीके से आंसर्स को लिखे होंगे। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, The paid up share capital of Saras Private Limited is 1 crore, consisting of 8 lakh equity shares of 10 each. तो 8 lakh equity share है 10 रुपए के, fully paid up and 2 lakhs cumulative preference share fully paid up. Jeevan Limited, समझना बात को, Jeevan Private Limited and Sudhir Private Limited are holding 3 lakh equity shares and 50,000 respectively यहाँ पे, ठीक है। तो मैं Jeevan के बारे में बात करूंगा और दूसरा किसके बारे में, Sudhir के बारे में। तो Jeevan कितना hold करता है, 3 lakh hold करता है, और ये कितना hold करता है, 50K होल्ड करता है, ठीक है, ओके। जीवन प्राइवेट लिमिटेड एंड सुधीर प्राइवेट लिमिटेड आर सब्सिडरीज ऑफ पीयूष प्राइवेट लिमिटेड। अब ये दोनों किसके बेटा, पीयूष प्राइवेट लिमिटेड के सब्सिडरीज है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वेदर द सरस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये जो कंपनी है सरस प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये यहाँ पे सब्सिडरी मानी जाएंगी पीयूष प्राइवेट लिमिटेड में? वुड योर आंसर डिफरेंट इफ 8 out of 9 डायरेक्टर्स ऑन द सरस प्राइवेट लिमिटेड, अगर पीयूष प्राइवेट लिमिटेड हैज 8 out of 9 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ सरस प्राइवेट लिमिटेड, तो आंसर कुछ अलग हो जाता क्या? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले ऊपर अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 50% की होल्डिंग, देखो सब्सिडरी अगर आप किसी को बनाना चाहते हो तो अगर आप सब्सिडरी दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो कंट्रोल करके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक्सरसाइजेस मोर देन वन ऑफ, मतलब मोर देन 50% जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना वो अपने पास होना चाहिए दूसरे कंपनी का, तो हम लोग कहेंगे दूसरी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है करके, बराबर। तो आपने उसको समझा दिया। अब यहां पे डीम्ड सब्सिडरी कंपनी का आता है और कंपोजिशन का मतलब होता है कैसे कंट्रोल किया जाता है करके, है ना, कंट्रोल को, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब कंट्रोल करती है उसे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम यहां पे दिया जाता है। अब क्योंकि 8 में से 3.5 लाख ही शेयर्स अपने पास है तो अपन कहेंगे ये फेल हो जाता है, लेकिन समझना बात को, 9 में से 8 डायरेक्टर्स को अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर क्या बात यहां पर मानी जाती है, क्या यहां पर होल्डिंग कंपनी बनेंगी क्या? बिल्कुल। तो 8 से 9 वाले पे होल्डिंग बनेंगी, लेकिन दूसरे वाले इसमें होल्डिंग बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ये होती है बेटा पूरी पूरी चीजें, यहाँ पे ये सारी सारी बातें आपको लिख के आना है। तो कंट्रोल एंड कंपोजिशन पे यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क आपको मिलता है, जैसे डीम टू बी कंपनी और कंट्रोल के ऊपर 1 मार्क मिलता है, इधर 1 और इधर 1, ऐसे 5 मार्क का यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। हो सकता है ये 6 मार्क के लिए भी पूछे, तो यहाँ पे फिर डिवाइड कर दिया जाए ऊपर के केस में जो आप लिख रहे हो ना उसके अंदर, फिर डिविजन थोड़ा सा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे आंसर नंबर 3 के ऊपर, सारे लोग आ जाएंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, नवीन इनकॉर्पोरेटेड 1 पर्सन कंपनी मेकिंग इज सिस्टर नविता एज अ नॉमिनी, नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड, ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज withdrawing her consent of nomination in the said OPC, taking into consideration the provision of Companies Act, answer the question given below. If the Navita is leaving India permanently, it is mandatory for her to withdraw her nomination in the said one person company. तो इसका आंसर है yes, बिल्कुल। अगर वो इंडिया छोड़ के जा रही है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, वो यहाँ पे resident in India नहीं रहने वाली है, मतलब वो इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे, मतलब सिटीजनशिप ही छोड़ रही है, तो ऐसे केस में अपन कह सकते हैं कि सर एक काम करो करके उसको विड्रॉ करना पड़ेगा करके, है ना। दूसरा देखो,
If Navita maintained the status of ROI after her marriage, then can she continue her nomination in said OPC? Yes, बिल्कुल फिर continue कर सकती है 182 days का अगर वो criteria fulfill करती है बेटा, तो 182 days के criteria के अंतर्गत वो सारी चीजें कर पाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगी, कोई option मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया है, ठीक है? तो yes sir, फिर अगर 182 days का criteria वो fulfill कर रही है तो सर फिर वहां पर बात बन सकती है, फिर कोई टेंशन की बात उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है? अब आंसर नंबर 4 के ऊपर चलेंगे दोस्तों। आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है? आंसर नंबर 4 कौन से चीजों के बारे में बात कर रहा है आपके साथ? देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, आंसर नंबर 4 क्वेश्चन क्या था देखो, द एओए ऑफ द कंपनी कैन कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट इज मेंट बाय एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ऑल्सो स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेट एक्ट डीलिंग विद द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो अपने को एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के साथ यहां पे डील करना है, या एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या क्या कह रहा है उसके बारे में अपने को यहां पे बताते हुए चलना है, ठीक है? तो देखो सेक्शन नंबर 5 यहां पे एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा डिफिकल्ट कर देना चीजों को, चेंज करना, ठीक है? तो ज्यादा डिफिकल्ट करना चीजों को, चेक कर देना, और बाय मींस ऑफ पासिंग एसआर ये चीज यहां पे की जाती है, ठीक है? अब देखो यहां पे उसके बाद क्या सेक्शन 5 डिस्क्राइब क्या करता है? आर्टिकल्स के अंदर हो सकते हैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, जहां पे इफेक्ट देता है स्पेसिफाइड आर्टिकल्स को, मे बी अल्टर्ड ओनली इफ कंडीशन प्रोसीजर आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एप्लीकेबल ऑफ एसआर। मतलब एसआर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव आपको कर देना है। एसआर के लिए अगर 75% लोगों का अप्रूवल लगता है तो उससे ज्यादा का अप्रूवल आपको कब लगेगा? उससे ज्यादा का अप्रूवल आपको लगेगा दूसरे वाले केसेस में, ठीक है सर? अब देखो मैनर ऑफ इंक्लूजन एंट्रेंचमेंट को आप कब कर सकते हैं? एक तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से करो, या आर्टिकल्स को अमेंड करके भी आप एंट्रेंचमेंट कर सकते हो कहां पे? प्राइवेट कंपनी के अंदर। लेकिन आपको एसआर को पास करना होगा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ऐसा यहां पे बोला गया। अब सर उसके बाद और क्या बोला गया? नोटिस ऑफ दी रजिस्ट्रार, आपको नोटिस देना पड़ता है। किसको? रजिस्ट्रार को नोटिस दोगे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में कि हम फॉर्मेशन के ऊपर या अमेंडमेंट से जब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हैं तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हुए चलना होगा। किसको? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हुए आपको चलना होगा। फिर देखिए महिमा इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो एज पर कंपनीज एक्ट एनसीएलटी के पास क्या क्या पावर्स है इस रिगार्ड के अंदर? तो ये बहुत ही आसान सी चीज है बेटा कि एनसीएलटी ऑर्डर्स पास कर सकती है जो भी उसको ठीक लगे, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट को देके लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करवा देंगी, डायरेक्ट करेंगी रिमूवल ऑफ नेम कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ऑर्डर पास करेंगी बाइंडिंग अप का, और ऐसे ऑर्डर्स जो भी उसको ठीक लगे। लेकिन ये सारे ऑर्डर्स पास करने से पहले ROBH देना होता है, और जो ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया है वो कंपनी को कंसिडर, मतलब वो ट्रांजेक्शन को मैं कंसिडर करूंगा और उसके बाद मैं अपना डिसीजन लेता हूं, यानी कि एनसीएलटी अपना डिसीजन लेता है। तो ये काफी डायरेक्ट सवाल था, इसमें ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं थी, ठीक है? अब देखिए द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्पावर्स इट टू कैरी ऑन रियल एस्टेट बिजनेस एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज अलाइड टू इट। ओके, ड्यू टू डाउनवर्ड ट्रेंड इन द रियल एस्टेट मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी। भाई साहब अलग ही कुछ तो भी कर दिया, मेरे को तो रेलवे एशबरी रेलवे वाला याद आ रहा है बेटा यहाँ पे, है ना? अब देखो कंपनी वॉन्ट्स टू अल्टर MOA एंड इंक्लूड द फूड प्रोसेसिंग इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, एग्जामाइन वेदर कंपनी क्या ऐसे चेंजेस को कर सकती है क्या? तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सिंपल एंड फ्लेक्सिबल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको SR को पास करना है आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोसीजर। एक बार अल्टरेशन के बाद आप रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना, रजिस्ट्रार यहां पे अगर कोई भी अल्टरेशन होते हैं ना तो उसको सर्टिफाई कर देता है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, है ना, जब से एसआर पास हुआ है। फर्दर इफ स्टिपुलेट्स नो अल्टरेशन इन मेमोरेंडम शैल टेक इफेक्ट अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द, मतलब जब तक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं हो जाता कोई भी अल्टरेशन का इफेक्ट नहीं आता। तो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज परमिटेड है बेटा, क्या अपन चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात यहां पे हुई है। 6 क्वेश्चंस आपको मैंने दिया था टेस्ट के अंदर, टेस्ट 1 के अंदर 6 क्वेश्चन दिए थे और पूरे 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको टेस्ट पेपर ये डाउनलोड करना है, अगर आपको ये टेस्ट पेपर चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, CA इंद्रेश गांधी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप मेरे इंटर
मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ाता हूँ। मेरी पूरी क्लासेस आपको ultimatecae.com के ऊपर मिल जाती है। ये जो टेस्ट है बेटा, ये हमारे क्लास जिस बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लिए उन रेगुलर क्लासेस के साथ ये जो टेस्ट ली गई है, ये उसका डिस्कशन था जो मैंने यूट्यूब के ऊपर इसे पोस्ट कर दिया है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। इसके अलावा सर, लॉ के, ऑडिट के और मेरे जितने भी क्लासेस आपको लेना है तो आप ultimatecae.com को विजिट कर सकते हैं इस क्लासेस को देखने के लिए। कॉम्बो अवेलेबल होता है लॉ और ऑडिट का, लॉ के इंडिविजुअल, लॉ के ऑडिट आप यहां पे बढ़िया से ले सकते हैं क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अगर आप नहीं जुड़े हैं, सीए इंद्रेश गांधी सर्च कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेस्ट पेपर्स को मैं पोस्ट कर दूंगा, टेस्ट पेपर का जो लिंक है मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट पेपर्स को। और ये आंसर्स का डिस्कशन तो मैंने आप लोगों के साथ किया ही है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।